लगातार आ रहे हैं? मैं लगातार यहाँ पे 6 साल से आ रहा हूँ और मैंगो की करीब 280-285 वैरायटीज बाहर लेकर आया हूँ। और मैं विलेज रायपुर डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से आता हूँ। ये मुझे यहाँ पे बुलाते हैं, मतलब इनवाइट करते हैं, जैसे कि जिससे मुझे देखकर आमों की वैरायटी देखकर किसान जो है उससे थोड़ा मोटिवेट हो। कितनी वैरायटी लेके आई हैं? 280-285 वैरायटीज बाहर मेरे पास हैं। खासतौर पर क्या बताएंगे, कैसे पैदावार होती है, विदेशों में भी बेचते हैं? विदेशों में जैसे हमारे यहाँ पे जो बागों में आम पैदा होता है वो सहारनपुर के द्वारा जो आड़ती हैं पैक हाउस के, वो हमसे खरीद के फिर जैसे दुबई और इधर जापान वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। कितने पौधे वौधे लगा रखे हैं हमने, कितने बीघे में? हमारे करीब 60 बीघे में हमारी बाग है और 360-370 पौधे हैं इसके अंदर। कैसे क्या ये 260-70 प्रकार की वैरायटी जो बता रहे हो, क्या खासियत और कौन कौन से मशहूर वैरायटी कौन कौन? मशहूर वैरायटी जैसे हमारा चौंसा एक्सपोर्ट होता है, लंगड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा, दशहरी बाहर जाती है, और जैसे हमारे यहाँ पे तो गुलाब जामुन मालदा सभी हैं, वो हमारे दिल्ली में हमारे यहीं पे होते हैं वो एक्सपोर्ट, तो 3-4 वैरायटी होती है बाहर। अल्फांजो एक्सपोर्ट हो रहा है और इस बार चौंसा और लंगड़ा ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। इस आम की क्या खासियत रहती है? वो थोड़ा स्वीटनेस अच्छी होती है और उसके अंदर रेशा नहीं होता जैसे बहुत, और ज़्यादा लंबे समय तक पका हुआ ख़राब नहीं होता, मतलब रिजर्व रह सकता है। तो कौन कौन सी कंट्रियों में बेचते हैं आप लोग यहाँ? जैसे हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो जैसे जापान, दुबई, चाइना और इधर। ये सबसे ज़्यादा कौन सा आम विदेशों में पसंद करते हैं? लंगड़ा चौंसा ज़्यादा पसंद करते हैं जी, ज़्यादा मीठे के लिए। ये आम हमारे सिर्फ हमारे देश के आम मीठे होते हैं, विदेशों में आम जो है थोड़ा कम मीठा होता है, जैसे मतलब वो हमारे यहाँ के इंडिया के जो आम है वो टेस्ट में बेस्ट है। कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान, जो लोग किसान बागवानी से कम लागत और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और उसका मेहनत भी कम है इसके अंदर बागवानी के। जैसे हम जैसे गेहूं या धान की पैदावार करेंगे तो हमें उसमें जो है रात दिन लगना है, जब से हम बीज डालेंगे और पानी तो उसमें जो है 1 किलो चावल पैदा करने में 3600 लीटर पानी करीब लगता है, इतना पानी हम रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं और मेहनत नहीं करनी, बस फसल के टाइम थोड़ा देखभाल होती है। क्या कहेंगे किसान भाइयों के लिए खासतौर पर? खासतौर से मैं कहूँगा कि किसान भाई थोड़ा बागवानी की ओर आए, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ करीब इन 10-15 सालों में काफ़ी एरिया बागों का बढ़ा है, काफ़ी एरिया बागों का बढ़ चुका है। पहले जितना आम अब इस बार पैदा हो रहा है इन सालों में वो काफ़ी से कई 1000 टन ज़्यादा हो रहा है। कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं मैंगो मेले में? यहाँ से मैं 6 साल से आ रहा हूँ लगातार। और कहीं पे भी जाते हैं मैंगो? जैसे पिंजौर में, पिंजौर मैंगो जी, पिंजौर में। यार आम का पेड़ कितने वर्ष में तैयार होता है, फल देता है, और कितना आम जो एक वर्ष के बाद जो सीजन आता है तब निकल जाता है, कितनी कमाई? 3 साल में आम देने लगता है और 3 साल में एक आम का पेड़ करीब 15-20 किलो आम देता है, जो छोटा पौधा होता है 15-20 किलो आम दे देता है 3-4 साल का। कौन सी विदेश की कंट्री है जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आम कौन सा पसंद किया जाता है? जैसे हमारा चाइना में तो लंगड़ा मांगते हैं वो, और जैसे दुबई है इधर चौंसा मांगते हैं जी। कारण क्या, क्यों मांगते हैं? स्वीटनेस के लिए, मीठा बहुत होता है।